गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए मैंने एक और एक वीडियो लेके लेके आए हैं। रोज हमको कितना पानी पीना चाहिए एक व्यक्ति को, उसके बारे में वीडियो है। छोटा सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखते हैं, आपका वेट जितना है उसको 10 से डिवाइड करना है और -2, दूसरा कुछ नहीं करना है। आपका वेट डिवाइडेड बाई 10 -2। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका वेट 80 kg है, तो 80 को 10 से डिवाइड किया तो 8 हो गया, उसमें -2, तो मतलब 6 लीटर पर डे पीना चाहिए। मतलब पूरे दिन में आपको कितना लीटर पानी पीना है, 6 लीटर पानी पीना है। और पानी कब कब पीना करके छोटा सा ये भी जरूर मैं डालना रखा हूँ, देख लीजिए। सुबह उठते ही आपको गर्म पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो पेट में जो भी गंदगी है ना, वो बराबर वॉश आउट हो जाएगा और निकल जाएगा लेटरिन के द्वारा। नेक्स्ट मील, खाना खाने के 1 कलाक पहले 1 गिलास 2 गिलास पिए, वो चलेगा। उसके बाद खाना खाने टाइम पानी मत पीजिए, वो बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होगा, आपका डाइजेस्ट कंप्लीट होगा और इसका जल्दी भी हजम हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं, एसिडिटी जो भी प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और खाना खाने के बाद आपको पानी 1.5 आवर्स नहीं तो 2 कलाक के बाद पी के देखिए, आपका डाइजेशन एकदम प्रॉपरली वर्क करेगा और आप मोटे भी होने से कम हो जाएंगे, आपका मोटापन भी धीमे धीमे घटेगा। ये बहुत यूजफुल है, मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरा भी मुझे भी कुछ फर्क दिख रहा है। और नाइट में 1 गिलास गर्म पानी पी के सोइए, तो क्या होगा, आपका जो लेटरिंग जो सुबह होगा एकदम क्लीन होगा, पेट में जो भी गंदगी जो भी है वो निकल जाएगी और अच्छा खाना डाइजेस्ट भी हो जाएगा सोने के टाइम। 1 गिलास गर्म पानी, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू।